हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जलेबी जो कि 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। और ये जलेबी हम इंस्टेंट जलेबी बनाएंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे और 1.5 कप पानी डालेंगे और चीनी को अच्छे से मिला देंगे। इसमें 3 से 4 इलायची डालेंगे, तो इलायची को थोड़ा तोड़ लेंगे और थोड़ा केसर डालेंगे। अगर आप चाशनी में फूड कलर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि जो हमने केसर डाला है उससे ही चाशनी में अच्छा कलर आ जाएगा। चीनी को अच्छे से हमने मिला दिया है और अब इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। चाशनी को बस ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे 5 मिनट ही पकाना है और इसमें कोई तार नहीं बनाना है हमें। जितने चाशनी बन रही उतने हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। आप घी में भी बना सकते हैं जलेबी, लेकिन मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है और चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। चीनी को अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद में हमने इसे 5 मिनट के लिए और पका लिया है, तो ये चाशनी थोड़ी चिपचिपी हो गई है। इसमें कोई तार नहीं बना है, बस ऐसी ही चाशनी बनानी है हमें। गैस बंद कर देंगे और हम जलेबी का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ली है और 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। इसमें 1 पाउच इनो का डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई खमीर नहीं उठाया है तो इसमें इनो ज़रूर से डालें। और अब इसमें हमने इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा खट्टापन लाने के लिए इसमें दही डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब दही डाला है जिससे कि जलेबी में थोड़ा खट्टापन आएगा और जलेबियाँ क्रिस्पी भी बनेंगी। और हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए इस तरीके से, और हाथ से अच्छे से मिलाएंगे इसे। तो हम हाथ से अगर बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे तो जलेबी क्रिस्पी बनेंगी, देखिए इस तरीके से। और एक ही डायरेक्शन में फेंटे बैटर को। और देखिए हमने 1 कप में से थोड़ा सा पानी बचा लिया है, बस इतना ही पानी डालना है इसमें। तो मैंने इस बैटर में 200 ml के करीब पानी डाला है, बस इतना ही पानी डालें और इस तरीके का बैटर बनाकर तैयार करेंगे। इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और इस तरीके का कोई पैकेट ले लेंगे। आपके पास कोई भी सूजी का या दाल का कोई भी पैकेट हो तो वो ले सकते हैं आप, अगर दूध का पैकेट है तो वो भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हाइट वाले बर्तन में रख देंगे और बस अब इसमें बैटर भर देंगे इस तरीके से। तो बैटर को मैंने पैकेट में भर लिया है। अब इसका जो साइड वाला कॉर्नर है वो भी ऊपर की साइड पकड़ लेंगे और इस तरीके से कोन बना लेंगे। तो तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और देखिए जो कोन है उसको इस तरीके से काट लेंगे। थोड़ा सा तो हल्का सा ही काटें, ज़्यादा मोटा ना काटें वरना जलेबी बहुत ही मोटी मोटी बनेंगी। तो इस तरीके से जलेबी बनाएंगे। फ्लेम को जब हम जलेबियाँ इस तरीके से फ्राई कर रहे हैं तो फ्लेम को मीडियम पे कर दें, लेकिन तेल अच्छे से गरम कर ले पहले। अब जलेबी को एक साइड से सिक जाने के बाद में इसे पलट देंगे, तो जलेबी थोड़ी सिक जाए तभी उनको पलटें। जलेबी को दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, तो जलेबियों का कलर ज़्यादा डार्क ना करें। और इन्हें इस तरीके से झर में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही चला जाए, जलेबियों में ना रुके। तो जलेबियों को हम इस तरीके से तुरंत उतार कर और चाशनी में डाल देंगे। और जब हम चाशनी में जलेबियों को डालें तो चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ठंडी ना हो, ये चेक कर लें आप, क्योंकि अगर चाशनी ठंडी हो जाएगी तो जलेबी में अच्छी तरीके से नहीं जा पाएगी
और जलेबियों को तुरंत कढ़ाई में से निकालते ही चाशनी में जरूर डालें। और जलेबियों को निकाल लेंगे, 15 से 20 सेकंड के लिए इन्हें चाशनी में रखेंगे और फिर निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं जलेबी, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही आसान है इनको बनाना। तो इनको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो मेरे घर में जलेबियाँ सभी को बहुत पसंद आई थी और बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हुई थी। हाँ, इनकी शेप थोड़ी इधर उधर हो जाती है, लेकिन इनका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया था और एक क्रिस्पी भी बनकर तैयार हुई थी। तो जलेबियों को इस तरीके से निकाल लेंगे और इन्हें तुरंत चाशनी में डालेंगे। और बस ये ध्यान रखें कि जब भी चाशनी में हम जलेबी डालें तो चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। और इन्हें 20 सेकंड के लिए चाशनी में डुबो कर रखेंगे और फिर इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप भी इस तरीके से जलेबियाँ बनाकर खाएं। और देखिए कितनी जो चाशनी है वो जलेबियों के अंदर तक भर गई है अच्छे से। इसका मतलब हमारी जलेबी परफेक्ट बनी है।